गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम एडजेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे और अभी तक हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन और उसके जो काइंड्स थे उनके बारे में बात की। एडजेक्टिव के जो काइंड्स थे जिसमें हमने प्रॉपर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स और लास्ट हमने बात की थी पजेसिव एडजेक्टिव्स। इस वीडियो में हम स्पेशल टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट वन है और अगला जो वीडियो है उसमें कुछ स्पेशल टाइप्स के एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया जाएगा। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं उसमें ये सारे एडजेक्टिव्स हमने पढ़ लिए हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में, प्रॉपर, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, न्यूमरल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पजेसिव। चलिए कुछ स्पेशल टाइप्स हम देखते हैं, सम अदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट हम देखेंगे इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इम्फेसाइजिंग, किसी भी चीज़ को इम्फेसाइज करना और वो वर्ड्स इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स ले स्ट्रेस ऑन द प्रिसीडिंग नाउन, यानी कि वो इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स उन्हें कहा जाता है जो किसी नाउन को प्रिसीड करते हैं, नाउन्स जस्ट बिफोर रखे जाते हैं और वो उस नाउन को इम्फेसाइज करते हैं, उसको एक तरह से स्ट्रेस देते हैं उस पर। द वर्ड्स यूज टू इम्फेसाइज अ नाउन आर कॉल्ड इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। जैसे वेरी एंड ओन, ये जो दो वर्ड हैं हमारे आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। इनको इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहा जाता है क्योंकि ये नाउन को ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं। विच आर यूज्ड टू इम्फेसाइज सम आइडिया और एंटिटी, किसी भी आइडिया को, या हम कह सकते हैं जो वर्ड्स जो नाउन को मोर इम्फेसाइजिंग वे में बताते हैं उन्हें ही हम इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स कहते हैं। और वेरी एंड ओन, ये दो ऐसे वर्ड्स हैं दे आर नोन एज इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। जैसे देखिए माइंड योर ओन बिजनेस या लैंग्वेज, हम स्पोकन इंग्लिश में भी इसके बारे में बात करते हैं, इस सेंटेंस के बारे में, माइंड योर ओन बिजनेस या माइंड योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पर ओन जो है उसको इम्फेसाइज किया गया है, यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लैंग्वेज जो है, या आप जिस लैंग्वेज बात कर रहे हैं प्रॉपर वे में बात करें, प्रॉपरली उस लैंग्वेज को यूज़ करें। ठीक है, आई अरेंज्ड इट विद माई ओन एफर्ट्स, यानी कि मैंने ये जो भी अरेंज किया है ये मैंने खुद के एफर्ट्स से, एफर्ट्स नाउन है और उससे पहले हमने ओन एफर्ट्स यानी कि इन अ वेरी प्रॉपर वे, इन अ वेरी स्पेशल वे, पैक्यूलियर वे में मैंने अपने एफर्ट्स को यूज़ किया है, अरेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ द वेरी वुमन, वुमन से पहले हमने वेरी का यूज़ किया है। वेरी एक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, यहाँ पर वेरी का जो मतलब है वो है द सेम। वेरी के कई सारे मतलब हो सकते हैं, रियल के सेंस में भी इसका यूज़ होता है, ट्रू के सेंस में या द सेम। तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है वो ये है कि दिस इज़ द वेरी वुमन और द सेम वुमन, ये वही औरत है हु ऑलवेज क्वारल्स विद मी। नेक्स्ट देखिए, दैट इज़ द वेरी टॉय, यानी कि वेरी का मतलब ये वही टॉय है, द सेम टॉय दैट माई सन वॉन्टेड टू बाय। नेक्स्ट देखिए, ही ट्राइड हिज वेरी बेस्ट, ही ट्राइड हिज वेरी बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट का जो मतलब है वो एफर्ट से लिया गया है कि उसने जो है एफर्ट्स किए और एफर्ट्स भी कैसे किए, वेरी, वेरी का मतलब ट्रू एफर्ट्स। यहाँ पर हम वेरी का मतलब ट्रू ले सकते हैं या रियल एफर्ट्स कर सकते हैं। बेस्ट यहाँ पर, हियर बेस्ट इज नाउन, यहाँ पर बेस्ट एक नाउन है और इसका मतलब है एफर्ट। ही ट्राइड हिज वेरी बेस्ट, अच्छा सेंटेंस है ये। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट करने का काम, यानी कि
तरह से हम कह सकते हैं जोड़ने का काम करते हैं ये। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स आर टू और मोर एडजेक्टिव्स, ये दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं दैट डिस्क्राइब द सेम नाउन, यानी कि उसी सेम नाउन की, उसी सेम नाउन को क्वालिफाई करते हैं, उसी को डिस्क्राइब करते हैं, और ये दो या दो से ज़्यादा होंगे। दे आर इक्वली इम्पोर्टेंट एंड सेपरेटेड बाई अ कोमा, यानी कि इनका जो यूज़ है, एक तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका यूज़ कैसे होता है, एंड सेपरेटेड बाई अ कोमा, कोमा जो है दोनों के बीच में, या जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनके बीच में कोमा का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू आर वेरी क्रूअल, फिर कोमा लगाया, हार्टलेस पर्सन। तो हमने यहाँ पर एक ही पर्सन की क्वालिटीज़ को शो किया और दो क्वालिटीज़ के बारे में बात की हमने, हार्टलेस क्रूअल, और दोनों को ये जो दो एडजेक्टिव्स हैं ये कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स कहला रहे हैं और दोनों को हमने सेपरेट किया कॉमा से। एक नोट देखिए, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड एज पेयर्ड एडजेक्टिव्स, इनको पेयर्ड एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है क्योंकि ये पेयर में आते हैं। दे आर सेपरेटेड आइदर बाई कॉमा और एंड। अच्छा, इनको कॉमा से तो हम सेपरेट करते ही, साथ में हम एंड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इट वॉज अ लॉन्ग कॉमा हॉट समर, या तो इस सेंटेंस को हम ऐसे कहें, समर के बारे में बताया जा रहा है, लॉन्ग और हॉट उसकी क्वालिटी बताई जा रही है कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स के रूप में, और या कहें इट वॉज अ लॉन्ग एंड हॉट समर। तो लॉन्ग एंड हॉट, या तो आप कॉमा का यूज़ करें या फिर एंड का यूज़ करें। नेक्स्ट देखिए, आई कैन सी ब्राइट एंड सनी डे, डे के बारे में बताया गया है कि डे जो है ब्राइट है और सनी है, और हम ये भी कह सकते हैं आई कैन सी ब्राइट कॉमा सनी डे। यस्टरडे इट वॉज डार्क एंड स्टॉर्मी नाइट, और हम ये भी कह सकते हैं यस्टरडे इट वॉज डार्क कॉमा स्टॉर्मी नाइट। चलिए आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो एडजेक्टिव है दैट इज क्यूमुलेटिव, और क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड व्हेन द एडजेक्टिव्स आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि जिनकी कैटेगरी डिफरेंट हो, और व्हेन द फाइनल एडजेक्टिव जो है, फाइनल एडजेक्टिव बिफोर द नाउन क्रिएट्स अ कंपाउंड नाउन। कहने का मतलब ये है कि क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ये कैसे यूज होते हैं, दे आर यूज वैन द एडजेक्टिवस आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। एक तो इनकी कैटेगरी डिफरेंट होनी चाहिए, कैटेगरीज का मतलब ये है कि एडजेक्टिवस कई तरह के हो सकते हैं, वो कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं, शेप को डिफाइन कर सकते हैं, किसी क्वालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, एज को डिफाइन कर सकते हैं, और वैन द फाइनल एडजेक्टिव बिफोर द नाउन क्रिएट्स अ कंपाउंड नाउन, और जो फाइनल एडजेक्टिव है हमारा वो एक कंपाउंड नाउन के रूप में होगा, एक इट विल क्रिएट अ कंपाउंड नाउन। कैसे, दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन यू स्पेसिफाई ओरिजिन या नेशनलिटी और रिलीजन, जब हम रिलीजन के बारे में बात करें या नेशनलिटी के बारे में बात करें या ओरिजिन के बारे में बात करें, तब हम कंपाउंड एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, सॉरी कंपाउंड नाउन का यूज़ करते हैं, जैसे इंडियन पीपल, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मैन, ठीक है, वी डोंट यूज़ कॉमा और एंड। और हमें ये बात ध्यान में रखनी कि जो क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें हम कॉमा और एंड का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे देखिए, शी वॉज अ स्मार्ट मुस्लिम वुमन, यहाँ पर हमने क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव्स का यूज़ किया, वुमन के बारे में बताया कि मुस्लिम है और स्मार्ट। अब हमने यहाँ पर मुस्लिम वुमन को यूज़ किया, तो ये एक तरह से कंपाउंड नाउन है, और अगर हम सेपरेट करें तो वुमन, वुमन के बारे में बताया गया कि मुस्लिम, और उसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक बताइए, स्मार्ट। बट वी कांट से, देखिए इसमें कि वी कैनॉट से शी वॉज अ स्मार्ट एंड मुस्लिम वुमन, हम इस सेंटेंस को इस वे में नहीं लिख सकते, मुस्लिम वुमन को हमें साथ में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है और
आगे देखिए, इंस्टीड वी कैन से शी वॉज अ स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल वुमन, यानी कि हम किसी की यहाँ पर नेशनलिटी या रिलीजन या ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं, और जो नाउन ओरिजिन या हम कह सकते हैं कि नेशनलिटी के बारे में बात की जाती है जिस नाउन के लिए, उसको हम साथ में यूज़ करेंगे। जैसे मुस्लिम वुमन हो गए हैं यहाँ पर, तो हम इसको सेपरेटली यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से डेट शी वॉज अ स्मार्ट एंड मुस्लिम वुमन, हमें क्या कहना होगा, शी वॉज अ स्मार्ट मुस्लिम वुमन, हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए, कम्युनिटिव एडजेक्टिव्स आर नॉट सेपरेटेड बाई कॉमा और एंड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कम्युनिटिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो कभी भी सेपरेटली यूज़ नहीं किए जा सकते, वो एक साथ यूज़ होंगे, और ना कॉमा यूज़ होगा और ना ही एंड का हम यूज़ करेंगे। जबकि कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स जो हैं उनमें हमें कॉमा और एंड का यूज़ करते हैं। तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये हो सकता है, कम्युलेटिव एडजेक्टिव्स मस्ट बी प्लेस्ड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर कैटेगरी, द ऑर्डर इज एज फॉलोज। कई सारी कैटेगरीज होती हैं एडजेक्टिव्स की, जैसे अपिनियन हो सकता है किसी के बारे में, कोई गुड हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है, डिलीशियस हो सकती है कोई चीज़, साइज के बारे में, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। स्मॉल, लार्ज, एनॉर्मस, एज के बारे में बात की जा सकती है, ओल्ड, न्यू, मॉडर्न, लेंथ और शेप जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, स्क्वायर, कलर के बारे में, उसी तरह से ओरिजिन, अमेरिकन, ठीक है, इंडियन, चाइनीज, मटेरियल किसका बना हुआ है, प्लास्टिक, वुडन, कॉटन, जैसे एग्जांपल देखिए, एन अट्रैक्टिव यंग अमेरिकन लेडी। तो यहाँ पर लेडी के बारे में ही बात की गई है कि लेडी अमेरिकन, और अमेरिकन भी यंग अमेरिकन, यंग अमेरिकन अट्रैक्टिव यंग अमेरिकन। तो यहाँ पर ये जो एडजेक्टिव है, इसकी एक स्पेशल कैटेगरी यूज़ की गई है, इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर में इसको यूज़ किया गया है, इनका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से दैट एन अमेरिकन अट्रैक्टिव यंग लेडी, इनको इसी वे में यूज़ करना होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल है अ मॉडर्न जैपनीज इलेक्ट्रिक कार, हम इसको ऐसा नहीं कह सकते अ जापानीज इलेक्ट्रिक मॉडर्न कार, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी इसमें हमें फॉलो करनी होगी। अ बिग स्क्वायर ब्लू बॉक्स, इसका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। एक नोट मैंने डाला हुआ है, दिस इज़ हार्ड टू मेमोराइज, ऑफ कोर्स ये हमारे लिए इतना आसान नहीं है इसको कैटेगराइज करना और कैटेगरी को ध्यान में रखना। इट जस्ट टेक्स प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप जो हैं धीरे धीरे सीखेंगे। और एक सेइंग भी है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम, द मोर यू लर्न, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लर्न होंगी। उसी तरह से ये जो कैटेगरीज हैं ये भी धीरे धीरे लर्न होंगी। एक मैंने यहाँ पर नोट में ये डाला हुआ है कि कोऑर्डिनेटेड एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो कॉमा या एंड से सेपरेट किए जाते हैं, और कम्युनिटिव एडजेक्टिव्स में नो कॉमास आर यूज्ड, ना तो कॉमा का यूज़ होगा और ना ही एंड का यूज़ होगा। और अगर एंड का यूज़ होता भी है तो फिर अभी हमने ऊपर देखा था कि हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी वॉज अ स्मार्ट मुस्लिम वूमन, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हमें सेपरेट करना है तो हम कहेंगे, हम नेशनलिटी को यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम कहेंगे शी वॉज अ स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल वूमन। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल्स एंड एडजेक्टिव्स। आप सभी जानते हैं कि जो आर्टिकल्स होते हैं दे आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट, और टोटल नंबर में थ्री आर्टिकल्स होते हैं, इनको भी एज एन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाता है। देखिए, देयर आर थ्री आर्टिकल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ए, एन, द या दी। ईच आर्टिकल इज इंडीड एन एडजेक्टिव, और ये तीनों जो आर्टिकल हैं ए, एन और द या दी, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होते हैं। दे एक्ट एज एडजेक्टिव्स, दे ऑलवेज पॉइंट आउट टू ए स्पेसिफिक नाउन एंड स्टैंड बिसाइड देयर नाउन्स, ये बिल्कुल नाउन से
हम कह सकते हैं नाउन के जस्ट पास में रिप्लेस किए जाते हैं या वहीं पर स्टैंड करते हैं ये, जिस नाउन को ये स्पेसिफाई करते हैं। जैसे आई जस्ट अडोप्टेड अ डॉग, तो डॉग के बारे में बताया गया है अ डॉग, एक स्पेसिफाई किया गया है आई जस्ट अडोप्टेड अ डॉग। उसी तरह से सेकंड देखिए, दिस इज एन एलिफेंट, तो एलिफेंट से पहले हमने एन का यूज़ किया, तो आर्टिकल तो है ये है ही सही, साथ में ये किसी नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं तो इनको एडजेक्टिव भी कंसिडर किया जाता है। द गर्ल, गर्ल के बारे में बताया गया है कि वो लड़की, द गर्ल इन द कॉर्नर इज माई सिस्टर। एक नोट डाला हुआ है, क्या है इसमें, आर्टिकल्स ऑल्सो मॉडिफाई द नाउन्स, बिल्कुल सही है, ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो आर्टिकल्स आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स डिटरमाइन द स्पेसिफिकेशन ऑफ नाउन्स, नाउन को स्पेसिफाई करते हैं ये। ए एंड एन ये क्या होते हैं, आई यूज टू रेफर टू एन अनस्पेसिफिक नाउन, ये किसी अनस्पेसिफिक नाउन को रेफर करते हैं जो स्पेसिफाई नहीं होती, वाइल द इज़ यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक नाउन, और द का यूज़ जो है स्पेसिफिक नाउन को रेफर करने के लिए करते हैं। सो इस वीडियो में यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और काइंड्स की जो स्पेशल काइंड्स हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।